नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। एसकेएमसीएच के पीआईसीयू में इलाजरत चमकी बुखार पीड़ित दो और बच्चों की रविवार को मौत हो गई। वहीं चमकी बुखार पीड़ित चार नए बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। मरने वालों में मीनापुर का एक वर्षीय कासिम रजा, सीतामढ़ी की सोनबरसा की छह वर्षीय रिया कुमारी शामिल है। एसकेएमसीएच के शिशु रोग विभाग के डॉक्टर जेपी मंडल ने बताया कि बच्चों की पैथोलॉजिकल जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इस कारण अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। उधर देर शाम तक मुशहरी बुद्धनगर के दो वर्षीय विशाल कुमार, पश्चिम चंपारण के 12 वर्षीय मनीष कुमार, वैशाली के समीरगंज की 3 वर्षीय प्रीति कुमारी और औराई राजखंड की 9 माह की पिंकी कुमारी को चमकी बुखार की शिकायत पर पीआईसीयू में भर्ती करवाया गया है। नए मरीजों का इलाज हो रहा है, इनमें 3 गंभीर हैं। डॉक्टर जेपी मंडल ने बताया कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। चमकी बुखार और लक्षणों और परिजनों की मिली जानकारी के आधार पर इलाज किया जा रहा है। पश्चिम चंपारण के बच्चों में आंशिक सुधार है, वहीं अभी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बता दें कि एक दिन पहले सीतामढ़ी के एक बच्चे की मौत हो गई थी। भीषण गर्मी का दौर खत्म होने के बावजूद अभी उत्तर भारत के विभिन्न जिलों में चमकी बुखार से मरीजों के आने और उनके कई मरने की सिलसिला अभी जारी है। रविवार को 2 बच्चों की फिर से मौत होने से कुछ देर के लिए पीआईसीयू के इर्द गिर्द अफरा तफरी का माहौल बना रहा। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एसटी पोस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।